हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है निकिताज किचन फूड। और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो चॉकलेट गनाश केक का वीडियो है। आप वीडियो में ये जो केक देख रहे हैं इसका जो डेकोरेशन है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो देखिए वीडियो में कितना अच्छा ये केक लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 इंच के केक टिन में चॉकलेट प्रीमिक्स लेके केक बेस को जो है वो बेक कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये स्पॉन्ज की रेसिपी मेरे चैनल पे दी हुई है गाइस, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं ऊपर की लेयर में कट कर लूँगी और इसे मैं 3 लेयर में कट कर लूँगी। तो इसे हमें आइसिंग करना है। तो देखिए गाइस कितना सॉफ्ट ये केक बना है। तो पिल्सबरी का केक प्रीमिक्स मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा स्पॉन्ज बना है। तो इसे मैंने यहाँ पे 3 लेयर में कट कर लिया है। अब मैं केक की फर्स्ट लेयर यहाँ पे रख दूँगी और उसे मैं अच्छे से वाटर से सोक कर रही हूँ। तो वाटर से हमें अच्छे से सोक करना है। अब यहाँ मैंने क्रीम डाल दिया है ऊपर और थोड़ा सा मैं चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ और इसे हमें अच्छे से मिक्स करके केक के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सा इसका डेकोरेशन है गाइस। तो यहाँ मैंने 1/2 kg केक है ये गाइस, तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लिया था और उतना ही मुझे यहाँ पे लगने वाला है। तो अब यहाँ मैंने चोको चिप्स डाल दिए हैं और केक की दूसरी जो लेयर है वो रख दी है और उसे भी मैं वाटर से अच्छे से सोक कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने क्रीम डाल दिया है, ऊपर से थोड़ा सा गनाश भी मैंने डाल दिया है और इसे भी हमें सेम प्रोसेस करना है, अच्छे से केक के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा गनाश का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ गाइस, थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ। अब यहाँ पे भी मैं थोड़े से ऊपर से चोको चिप्स डाल दूंगी और अब केक की जो तीसरी लेयर है उसे भी मैं रख दूंगी यहाँ पे और इसे भी हमें वाटर से अच्छे से सोक कर लेना है। अब यहाँ थोड़ी सी मैंने व्हाइट क्रीम डाल दी है क्योंकि मैं यहाँ पे क्रम कोट कर रही हूँ। तो क्रम कोट करने के लिए बहुत ही थोड़ी सी क्रीम की हमें ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा क्रीम हमें यूज़ नहीं करना है। और मैं क्रम कोट करके इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दूंगी। तो आप भी ये प्रोसेस फॉलो करें गाइस। अब यहाँ जो ऊपर से आइसिंग करने के लिए क्रीम जो बच गया था उसमें मैं गनाश डाल रही हूँ, तो बहुत थोड़ा सा मैंने गनाश डाला है। तो मैं डच क्रीम यहाँ पे नहीं बना रही हूँ गाइस, थोड़ा सा ही मैंने गनाश डाला है, तो देख सकते हैं आप। और इसे मैं ऊपर से आइसिंग करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं आज के वीडियो में आप लोगों को आइसिंग का थोड़ा अलग तरीका बता रही हूँ। तो जनरली आपने मेरे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें मैं साइड से पहले क्रीम लगाती हूँ गाइस, और इस वीडियो में मैंने सारा जितना भी क्रीम मैं यूज़ करने वाली हूँ वो ऊपर से ही डाल दिया है और ऊपर से स्प्रेड कर लिया है। अब जो साइड से क्रीम एक्स्ट्रा आया है उसे मैं इस तरह से पैलेट नाइफ की मदद से नीचे कर रही हूँ और हमें इस तरह से गोल स्प्रेड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से भी अगर आप आइसिंग करेंगे तो जल्दी भी होगा और अच्छे से आइसिंग होगा, तो आप देख सकते हैं। तो वो जो मैंने तरीका पिछले वीडियो में बताया है गाइज, आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये तरीका इजी लगता है तो आप इस तरह से भी आइसिंग कर सकते हैं। तो देखिए साइड से भी मैंने अच्छे से प्लेन कर लिया है। अब यहाँ जो ऊपर से एक्स्ट्रा क्रीम है वो भी मैं हटा रही हूँ पैलेट नाइफ की मदद से। तो देख सकते हैं बहुत ही जल्दी हमारा केक जो है वो आइसिंग हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे प्लेन स्क्रैपर जो है उसका भी यूज़ करने वाली हूँ। तो केक को आइसिंग आपको अच्छे से करनी है गाइस। अब यहाँ मैंने प्लेन स्क्रैपर लिया है और उसे मैं अच्छे से साइड से घुमा रही हूँ और मैंने केक को अच्छे से प्लेन कर लिया है, आइसिंग हो गई है हमारी। अब यहाँ मेरे पास चॉकलेट गनाश है वो मैं केक के ऊपर डाल रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे पूरे केक को गनाश से कवर करना है गाइस। तो सिर्फ ऊपर से मैं नहीं डालूँगी, पूरे नीचे तक ये आ जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गनाश यहाँ पे यूज़ किया है और पैलेट नाइफ की मदद से मैं इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ।
अब जो भी नीचे गनाश आया है उसे भी मैं पैलेट नाइफ की मदद से जो केक की वॉल है उस पर इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह का डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं गाइस। तो देखिए पूरा गनाश मैंने कवर कर लिया है। गनाश की रेसिपी मेरे चैनल पे दी हुई है गाइस, लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने नूर 8 नंबर का नोज़ल लिया है बॉर्डर बनाने के लिए और इस तरह से मैं शेल डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ही सिंपल सा है। तो देखिए हमारी बॉर्डर भी बना के हो गई है। अब ऊपर जो है मैं थोड़े से चोको चिप्स डाल रही हूँ तो ये दिखने में और अट्रैक्टिव दिखेगा। तो ये बेकरी स्टाइल केक है गाइस, आपने बेकरी में ऐसे इस तरह के डिज़ाइन देखे होंगे। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ चॉकलेट डेकोरेशंस है, तो ये डेकोरेशन के मोल्ड होते हैं, ये डेकोरेशन चॉकलेट फैंस डेकोरेशन है गाइस। तो मैंने वाइट चॉकलेट में ग्रीन कलर डाला था और उसे मोल्ड में डाल के ये तैयार किए हैं। अब सामने यहाँ पे मैंने एक चेरी रख दी है और हमारा जो केक है वो पूरी तरीके से डेकोरेट हो गया है और देख सकते हैं आप वीडियो में कितना अच्छा ये लग रहा है गाइस। तो आप इस केक को एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।